बेस्ट पार्ट मुझे क्या लगा नरूटो वर्सेस पेन में, ये वाला नरूटो एनिमे सीरीज में तकरीबन 500 एपिसोड हैं और मुझे नहीं लगता कि यार इन 500 एपिसोड को एक ही वीडियो में बनाकर उनको अच्छे से डिस्क्राइब किया जा सकता है। मेरे अकॉर्डिंग शायद कोई और कर सकता है लेकिन मुझे वो अच्छा नहीं लगता है क्योंकि इसमें जितने भी एपिसोड हैं अगर आप उनको एपिसोड को अगर ध्यान से देखो कुछ एपिसोड मिलकर एक अलग कहानी बनाते हैं और उनको आप अलग से अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हो। हाँ थोड़ा बहुत लिंक होता है पिछले एपिसोड से लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको समझाया नहीं जा सकता, उनको एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो आज की इस वीडियो में बात करूंगा नरूटो वर्सेस पेन जो फाइट हुई थी इनके बीच में और इनके जो टोटल एपिसोड्स हैं 152 से लेकर 175 तक के एपिसोड। और अगर आपने नरूटो नहीं देखा तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये वाली वीडियो देख लो और इसके अंदर जितने भी मैंने आप लोगों के लिए एपिसोड सेलेक्ट किए अगर आप उन्हीं को देख लोगे तो डेफिनेटली ये इस एनिमे से आपको प्यार हो जाएगा और बाकी के एपिसोड देखे बिना आप रह नहीं पाओगे। जैसा मैंने कहा नरूटो वर्सेस पेन जो ये फाइट दिखाई जाती है 152 से जो स्टार्ट होती है इसकी कहानी और 175 तक जाती है, टोटल 24 एपिसोड होते हैं ये। अब इसकी कहानी के बारे में बात कर लेते हैं। नरूटो एक शाउनिन एनिमे मतलब कि एक निंजा टाइप का एनिमे समझ सकते हो और नरूटो जो है वो होकागे बनना चाहता है, यानी एक तरीके से समझो सबका प्रधान सबका मुखिया बनना चाहता है वो निंजा के मामले में। और ये सारी बातें जो हैं वो इन 24 एपिसोड में अच्छे से बताई गई हैं। नरूटो की जो दोस्ती है उसके जो इमोशंस हैं लव हेट अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ने के लिए लगातार मेहनत करना ये सारी चीजें आप इन 24 एपिसोड में अच्छे से देखने को मिलेगी। शुरुआत होती है पेन के इंट्रोडक्शन से जिसके विलेज को बर्बाद कर दिया जाता है और उसके गांव के लोगों को मार दिया जाता है और उसके परिवार में यानी उसके माँ बाप को उसी की आंखों के सामने कत्ल कर दिया जाता है। इसकी वजह से उसके अंदर इतनी ज्यादा नफरत बढ़ जाती है और वो एक ऐसा काम करना चाहता है कि जिससे हर जगह जो है वो शांति हो जाए और वो इस शांति को कैसे लाना चाहता है पूरी इंसानियत को खत्म करके। देखो उसके अंदर जो नफरत है जो उसके अंदर जो दर्द है वो पेन है वो ऐसे ही नहीं आ गया कि भाई हाँ उसके माँ बाप का कत्ल हो गया, उसने बहुत सारी चीजें देखी हैं अपनी लाइफ में जिससे धीरे धीरे उसके अंदर वो नफरत पनपी, उसको लगा कि यार इंसान कभी सुधर नहीं सकते, ये कभी भी एक दूसरे से शांति से बात नहीं करेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ युद्ध ही करेंगे। तो ये ऐसे ही नहीं आया गया, पूरे के पूरे अच्छे से डिटेल से दिया गया, उसके बारे में भी आगे हम बात करने वाले हैं। और पूरी इंसानियत को खत्म करने के लिए उसे एक वेपन की जरूरत है जिसका नाम है बीस्ट टेल वेपन और इसको बनाने के लिए उसको अलग से एक टेल्स की जरूरत है, मतलब कि तरह के जो 8 टेल्स 2 टेल्स इनकी जरूरत पड़ती है और उसने 8 टेल्स तक तो इकट्ठे कर लिए हैं लेकिन 9 टेल्स फोक्स की उसे जरूरत पड़ रही है जो एक हिडन लीफ विलेज में है जो नरूटो के शरीर के अंदर कैद किया गया है। वो किसने किया, क्यों किया, क्या रीजन था, सारी चीजें आपको जानने को मिलेंगी। और इसकी वजह से जो नरूटो के शरीर में जो ये 9 टेल फोक्स उसके शरीर में कैद किया गया तो उससे नरूटो को क्या क्या प्रॉब्लम हुई, उसे बचपन में क्या क्या सहना पड़ा वो आपको ब्रीफली बताएगा, डिटेल से तो नहीं ब्रीफली ये अच्छे से बता देगा कि हाँ इससे इसके बचपन पे कितना प्रभाव पड़ा है, कोई इसके साथ खेलने नहीं आता था, कोई इसको अपना दोस्त नहीं बनाता था। तो पेन जो है वो अपनी 6 कठपुतलियों को इस हिडन लीफ विलेज में भेजते हैं और सबसे अच्छी बात मुझे इसकी ये लगी कि इसमें जो विलेज वाले जो लोग हैं इन 6 कठपुतलियों से लड़ रहे होते हैं तो वो छोटी छोटी बातें को कलेक्ट करते हैं। दरअसल नरूटो तो उस वक्त विलेज में होता नहीं क्योंकि वो एक नया जुत्सु सीखने सेज जुत्सु सीखने कहीं गया होता है तो उसके पीछे से जब ये पेन विलेज पर अटैक करते हैं तो इससे रोकने के लिए जो गांव के ही लोग फाइट करते हैं और फाइट करते करते छोटी छोटी इंफॉर्मेशन वो इकट्ठा करते हैं और ये पता करते हैं कि जो मरे ये जो लोग हैं ये 6 कठपुतलियां हैं ये मरे हुए हैं, इनको ऑपरेट कहीं और से किया जा रहा है, इन 6 लोगों के शरीर में ये पाइप डली हुई है जिसके थ्रू इनको पावर मिल रही है, इनकी कमजोरी क्या है और जो इन 6 लोगों में सबसे ज्यादा पावरफुल एक जो मरी हुई डेड बॉडी है जो अपनी टेक्निक जब एक बार यूज कर लेती है तो दूसरी बार उसको यूज करने में उसको कुछ समय लगता है, 5 सेकंड लगते हैं और जब नरूटो जब लड़ता है तो उसको सारी ये बातें बताई जाती हैं जिससे ये पता चलता है कि जब नरूटो जब उनसे लड़ने आया तो केवल इसको आप ये नहीं कह सकते कि नरूटो ही उनसे लड़कर जीता है, उसको जीतने के लिए बहुत से लोगों ने उसकी मदद की है, छोटी छोटी इंफॉर्मेशन उसे दी है ताकि लड़ाई में उसकी हेल्प हो सके। और केवल फाइट ही नहीं इसमें आप 166 एपिसोड में ये जब देखेंगे
ये आपको बहुत ज्यादा इमोशनल कर देगा। और ये जो हिनाटा है इसके बारे में बताया जाता है कि हिनाटा जो है वो कौन है, बचपन में क्या कैसे नरूटो से मिली थी और उसकी फीलिंग्स कैसे नरूटो के प्रति जागी थी, ये जब बताती है कि ये नरूटो को बहुत पसंद करती है। इसी एपिसोड में अपना मतलब कि वो कहते हैं ना प्यार का इजहार करना, ये सब चीजें होती हैं। हिनाटा का ये बताना कि कैसे नरूटो ने उसे इंस्पायर किया है लड़ने के लिए हर एक सिचुएशन में। अब वो डर कर नहीं रहेगी, आज वो वक्त है कि वो नरूटो को बचाएगी क्योंकि नरूटो ने हमेशा उसे बचाया है। इन सब फाइट के अलावा इन जब 24 एपिसोड में सीखने को भी बहुत कुछ है। जोराया जो कि एक टीचर है इन दोनों स्टूडेंट का, यानी पेन जिसका एक्चुअल नाम जो है वो नागोटो है और नरूटो इन दोनों का जो वो टीचर होते हैं, तो इन दोनों को जो इसने शिक्षा दी किसी ने किसी और तरीके से ली और किसी ने किसी दूसरे वे में ली और दोनों की आइडियोलॉजी अलग अलग यहां पर पनपी है। और सबसे खूबसूरत बात एनिमे की, केवल इसी एनिमे सीरीज की नहीं, एनिमे की सबसे खूबसूरत बात यह होती है कि कोई भी आपके सामने विलन इसके अंदर दिखाया जाता है, कोई भी अपोजिट रोल में जो भी होते हैं उसके बारे में जब वो स्टोरी दिखाते हैं तो सच में आपको उसको देखकर ऐसा लगेगा नहीं यार ये विलन है, उसके प्रति भी आपके अंदर सहानुभूति हो जाएगी, ऐसा लगेगा यार इसके साथ बहुत कुछ बुरा हुआ है। जब पेन अपनी स्टोरी इसके अंदर बताता है कि एक्चुअल में उसके साथ क्या हुआ था, उसके दो सबसे बड़े पेन वो नरूटो को बताता है कि उसके माँ बाप का कत्ल होना और उसके बाद उसके दोस्त का कत्ल होना, ये सारी चीजें उसको अंदर से तोड़ देती है और तब वो फैसला करता है कि इंसान कभी भी नहीं सुधरेंगे। और फिर वो नरूटो से एक सवाल भी पूछता है कि सही मायने में पीस और जस्टिस का मतलब क्या है, क्योंकि हर एक की नजर में इंसाफ अलग अलग है। और एक आइडियोलॉजी की लड़ाई जब इसमें देखने को मिलती है, सच में इस एपिसोड को या फिर कहेंगे इन सभी एपिसोड्स को बहुत जबरदस्त बना देती है। अब फाइट से ज्यादा कन्वर्सेशन इंजॉय करने वाले हो नरूटो और पेन की, और वो अपना आंसर देता है पीस और जस्टिस का क्या मतलब होता है। जब नरूटो इस बात का आंसर पेन को देता है, वो कहता है कि जरूरी नहीं कि इंसान इंसान जब लड़ रहे हैं तो कभी भी शांति नहीं होगी, कभी भी एक दूसरे को समझेंगे नहीं, ऐसे उम्मीद खो देने से कोई इसका सॉल्यूशन नहीं होता, आपको उम्मीद रखनी होगी और एक दिन वो आएगा कि जब सारे इंसान आपस में एक दूसरे को समझेंगे। और एट द एंड 175 में हमें सीखने को क्या मिलता है इस नरूटो के इन एपिसोड से, भाई साहब बहुत कुछ सीखने को मिलता है। नरूटो जिसे बचपन में कोई पसंद नहीं करता था, उसे सब लोग नफरत करते थे, उसके पास अपने माँ बाप तक का प्यार नहीं था, इवन उसके पास कोई टीचर तक नहीं था, उसे कोई पढ़ाना तक नहीं चाहता था, और एक बचपन में से ही उसके मन में यह था कि भैया मुझे होकागे बनना है। होकागे मतलब कि उसे सबसे बड़ा निंजा बन के आना है सबके सामने। और इतनी कठिन परिस्थितियों के बावजूद उसे नफरत मिल रही है, उसका कोई दोस्त नहीं है, उसका कोई माँ बाप नहीं है, उसे कोई टीचर जो है वो अपने अंडर लेना नहीं चाहता, और लोग उससे नफरत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये शरारत बहुत करता है, शरारत इसलिए करता है क्योंकि ये दूसरों के सामने आना चाहता है, लोग उसके बारे में बात करें, लोग उसे देखें, वो एक अंदर ही अंदर सबके सामने नोटिस होना चाहता है, इसलिए वो सारी चीजें करते हैं। बावजूद इसके कि लोग उससे नफरत कर रहे हैं, वो धीरे धीरे मेहनत करता है और मेहनत करने के बाद आज वो 175 में जब आप देखेंगे वो एक हीरो बनके सबके सामने आता है। मतलब इसने वो प्रूफ करके दिखाया कि गलत रास्ते से नहीं, एकदम बिल्कुल सही रास्ते पर जब आप चलोगे तो एक दिन वो आएगा कि आपकी जितनी भी मेहनत है वो सबके सामने रंग लेके आएगी। तो मैं स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेड करूंगा कि आप ये 24 एपिसोड जरूर देखें, इसके अंदर बहुत कुछ आप लोगों को नरूटो के बारे में पता चलेगा। और ऐसा कुछ भी ऐसा इसके अंदर नहीं है कि जो आप लोगों को समझ में ना आए कि शाओनिन एनिमे है, ये तो मैंने बता दिया, इसके अंदर फाइटिंग होने वाली है, किसके किसके बीच में फाइटिंग होगी, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी, स्पॉइलर जरूर दिए, लेकिन ये एंटरटेन आपको जरूर करने वाला है। तो बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में, और ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके मुझे बताना। और आप भी कोई ऐसा एनिमे देख रहे हो जिसके अंदर बहुत सारे एपिसोड और आपको लगता है कि एक पर्टिकुलर सेक्शन, हां भाई, इसको अगर आप डिस्क्राइब कर सकते हैं तो प्लीज मुझे बताना कि वो पर्टिकुलर सेक्शन आप लोग चाहते हैं कि उनके ऊपर एक वीडियो बन जाए, तो मैं बेशक उन एपिसोड्स को देखूंगा, क्योंकि बहुत सारे एपिसोड आ जाते हैं कि उनको एक बार में देखना उनके ऊपर बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग कुछ पर्टिकुलर मुझे बताएं कि हां इतने एपिसोड इस एनिमे सीरीज के आप देख लीजिए, उसके अंदर आपको अच्छे से स्टोरी के बारे में पता चलेगा, इससे इंटरेस्ट भी बिल्ड हो जाएगा। तो प्लीज ऐसा कुछ है तो मुझे रिकमेंडेड जरूर करें। तो बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।